Hello everyone, how are you? I hope you all are well and enjoying the holidays at your home. Dear students, in our last video, we have discussed about the natural methods of acid propagation, which comes under the acid propagation. In this video, in this class, we will discuss about the artificial methods of vegetative propagation. Okay? So there are some methods which comes under the vegetative propagation of acid production. Number one, cutting, grafting. Number second, grafting. Number third, layering. And one another, air layering. And last is tissue culture. So one by one, we will discuss all the methods. Number one, cutting. These methods generally used in case of rose, China rose, sugar cane. Okay. In these methods, we have to take a small piece of stem of any plant of these, and this stem cutting we have to put or buried in the soil. Okay, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, एक stem cutting लेनी पड़ती है, या तो rose का stem ले लेंगे और उसको soil में buried करना पड़ता है, soil में रखना पड़ता है और उसको nutrition provide करना पड़ता है time to time. तो after some time क्या होता है, कुछ दिनों बाद क्या होता है कि new plants generate हो जाता है, produce होता है. Okay, now come to the next point, next heading, grafting. ग्राफ्टिंग के केस में क्या होता है, हमें टू स्पीसीज देनी होती है डिफरेंट वेराइटीज की. ओके, मतलब स्पीसीज तो सेम होगी लेकिन वेराइटी अलग है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एक मैंगो की दो वेराइटी दी, जैसे कि मार्केट में बहुत सारे मैंगो फ्रूट्स आते हैं, मैंगो लंगड़ा आता है, दशहरी आता है, कलमी आते हैं, तो मैं मैंगो की दो वेराइटी लूँगा और इन दोनों की अलग अलग स्पीसीज, मतलब अलग अलग वेराइटी की स्पेशलिटी होती है, तो इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे और जो हम लोअर पार्ट लेते हैं, जो जिससे हमें रूट डेवलप करनी होती है, उस लोअर पार्ट को बोलते हैं स्टॉक एंड अपर पार्ट इज नोन एज शूट. सो बोथ द कटिंग वैराइटीज ऑफ एनी स्पीसीज वी हैव टू जॉइन बाय द कीलिंग और बाय द थ्रेडिंग. ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करना होता है एंड आफ्टर सम डेज इट बिकम फ्यूज, दोनों फ्यूज हो जाते हैं एंड डेवलप इनटू अ न्यू वैरायटी व्हिच हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ वैरायटी. जो नई वैरायटी बन के आएगी इसके बाद उसमें इन दोनों के कैरेक्टर होंगे. या तो आप जैसे कोई वैरायटी है कलमी मैंगो की या फिर दशहरी मैंगो की, तो दोनों की वैरायटी होंगी जो न्यू प्लांट बनकर आएगा. ओके, सो फूडिंग प्लांट्स में मेथड्स यूज किए जाते हैं. नेक्स्ट इज लेयरिंग. लेयरिंग में क्या होता है बच्चों, जैसे कि कोई स्टेम है, उस स्टेम को बेंड करके सॉइल तक पहुंचाया जाता है और सॉइल के कॉन्टेक्ट में लाया जाता है. ठीक है, और फिर उसमें बड्स का फॉर्मेशन हो जाता है. जैसे कि सॉइल के कॉन्टेक्ट में आता है स्टेम, बड्स का फॉर्मेशन के बाद उसमें न्यू प्लांट्स जनरेट हो जाते हैं. और ये किस केस में होता है, दिस इज अकर इन केस ऑफ जैस्मिन प्लांट और ग्रेप वाइन, जो अंगूर की प्लांट्स होते हैं उनमें भी होता है. इसी वजह से एयर लेयरिंग में क्या होता है, ये भी फ्रूटिंग प्लांट्स में होता है. इसमें हम किसी प्लांट्स की जो आउटर लेयर है जिसको बाहर बोलते हैं उसको रिमूव करते हैं और जो उसका अंदर वाला पार्ट हमें शो होता है वाइट कलर का टिश्यू, उस पर हम कुछ कॉटन टाइप के लगाते हैं. कॉटन में हमें न्यूट्रिशन लगाना होता है, तो जिस पार्ट में हम कॉटन और न्यूट्रिशन को बाउंड करते हैं, इससे ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर कुछ बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है एंड आफ्टर सम टाइम सम डेज ईच बर्ड्स डिवाइडेड फर्दर डिवाइडेड एंड ग्रो एंड चेंज इनटू अ न्यू प्लांट. ओके, नाउ कम टू द लास्ट मेथड, दिस इज टिश्यू कल्चर. टिश्यू मींस अ ग्रुप ऑफ सेल. सो इन दिस मेथड वी हैव टू टेक अ सेल ऑफ एनी प्लांट, ऑफ एनी हेल्दी प्लांट, और वी कैन टेक द टिश्यू ऑफ एनी हेल्दी प्लांट. हियर दिस मेथड्स मेनली टेक्स प्लेस इन द लेबोरेटरी मेथड की जाती है. लेबोरेटरी में उसको कंडीशन प्रोवाइड की जाती है जो फेवरेबल कंडीशन होती है. तो जैसे कि मैंने यहाँ पर टेस्ट ट्यूब बनाई है, तो टेस्ट ट्यूब में हमने मीडिया दे दिया, मीडिया मीन्स न्यूट्रिशन. ओके, और मीडिया के ऊपर हमने सेल्स को टिश्यू रख दिया. आफ्टर सम टाइम ये मीडिया जो है सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा एंड दिस सेल्स और टिश्यू चेंज इनटू अ मैच्योर प्लांट. ओके, तो ऐसे जितने भी सारी मेथड्स हैं ये आर्टिफिशियल मेथड्स हैं, मैन मेड मेथड्स हैं. इससे पहले जो हमने मेथड डिस्कस की थी वो नेचुरल थी, उसमें हमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना पड़ा.
So this is all about the asexual reproduction. Okay students, we have finished this topic in 3 videos. Now we will learn about the sexual reproduction in next video. Clear? Thank you so much.